अरे वाह, केक बन रहा है। लेकिन किस खुशी में ये केक बन रहा है? आंटी का खड़ूस बेटा है ना, उसकी सरप्राइज बर्थडे प्लान कर रहे हैं, उसके लिए केक बना रहे हैं। भाई सरप्राइज आंटी ने देना है तो केक भी वही बना लेना। आप क्यों हलकान हो रही हैं? और ये आपने कैसा नाम रखा है, खड़ूस? बाकी लोग ये थोड़ा आराम से बोलो, कोई सुन लेगा। मैंने ही बोला था आंटी को कि मैं केक बना लूंगी, इसमें क्या हुआ? किस खुशी में? ये अच्छा नहीं लगता अगर आंटी बनाते, तो इसलिए मैंने कह दिया कि मैं बनाऊंगी, अच्छा लगेगा हमारे होते वो काम करे। हैरत की बात है, इतने पैसे वाले लोग हैं, केक नहीं मंगवा सकते वो अपने बेटे के लिए? रीबा, मैंने उनसे कहा था कि अगर घर में खुद बनाएंगे अपने हाथों से तो अच्छा लगेगा, क्यों? क्योंकि इन्हीं चीजों से एहसास होता है कि कोई अपनाइयत है, कोई अपना आपके लिए कुछ करना चाहता है, कोई खास है आपके लिए। कुछ तो गड़बड़ है। मतलब केक आप बना रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो आपके लिए कितने खास हैं? पागल हो गई, कुछ भी बोल रही हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तो अच्छा है ना, आप ही देखें, आप ऊंचे घराने की बहू बन जाएंगी और अम्मी की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि अपनी बेटी को बड़े घराने में दे दिया। वैसे आप ही अगर सच में ऐसा हो गया तो कितना मजा आएगा ना। और आंटी का बेटा है भी कितना हैंडसम है ना। वाह, बस करो, क्या हो गया तुम्हें? बजाय इसके कि मेरी मदद करो, बातें कर रही हो बस। जाओ यहां से, तंग मत करो। तंग करती रहती हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह, मतलब कि मैं और खड़ूस कुछ भी बोलती रहती है। अल्लाह ताला इसकी बातों को ना आप सीरियस मत लीजिएगा, तो दिमाग खराब है, जो मुंह में आता है बोलती रहती। अच्छा जी, चीनी का है,